नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। आज हम बात करेंगे बिल्व पत्रों की विशेषता क्या क्या है। भगवान शिव की पूजा में बिल्व पत्र यानी बेल पत्रों का विशेष महत्व है। भगवान महादेव के बेल पत्र अर्पण करने से भी भगवान शिव जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इसीलिए तो उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। बेलपत्र तथा बिल्व तथा श्रीफल से श्रीफल के नाम से भी कहा जाता है, श्रीफल भी बोला जाता है। जो बेल के जो फल को श्रीफल बोला जाता है। ये फल बहुत ही काम का है। ये जिस पेड़ पर लगते हैं वे शिवत्रुम भी कहलाते हैं। बिल्लो का पेड़ जो है संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। बहुत पवित्र और साथ ही समृद्धि देने वाले पेड़ माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा पूजनीय पेड़ माना जाता है बेल पत्रों का पेड़ को। बेल के पत्ते शंकर जी का आहार माने गए हैं, इसीलिए भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से इनके महादेव के ऊपर चढ़ाने के लिए और अर्पित करने के लिए शिव जी की पूजा के लिए बिल्व पत्रों बहुत ज़रूरी माना जाता है। ये पत्तों में त्रिनेत्र स्वरूप तीनों पत्रों का जो है शिव के तीनों नेत्रों का विशेष प्रिय है। भगवान शंकर का प्रिय, भगवान शंकर को बिल्व पत्र बेहद प्रिय है। भांग धतूरा और बिल्व पत्रों से प्रसन्न होने वाला केवल शिव ही भगवान शिव ही है। शिवरात्रि के अवसर पर बिल्व पत्रों से विभिन्न विशेष जो विशेष रूप से शिव की पूजा की जाती है। तीन पत्तियों वाले बिल्व पत्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं हर जगह पे, किंतु कुछ ऐसे बिल्व पत्र भी होते हैं जो कि दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ पर चमत्कारिक और अद्भुत होते हैं और उनमें से एक है बिलाष्टक। और शिव पुराण में कहा जाता है बिल्व पत्रों का भगवान शंकर के पूजन में विशेष महत्व। बिलाष्टक और शिव पुराण में इसका स्पेशल उल्लेख है। अन्य कोई भी ग्रंथ में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर एवं पार्वती को बिल्व पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। माँ भगवती को बिल्व पत्र श्रीमद देवी भगवत में स्पष्ट वर्णन है कि जो व्यक्ति माँ भगवती को बिल्व पत्र अर्पित करता है वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते हैं। उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है और कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है और वह भगवान भोलेनाथ का बेहद ही प्रिय भक्त हो जाते हैं। उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है और अंत में उनका मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और बिल्व पत्र के आकार के बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। बिल्व पत्र चार प्रकार के होते हैं। अखंड बिल्व पत्र, तीन पत्तियों के बिल्व पत्र, 6 से 21 पत्तियों तक के बिल्व पत्र और श्वेत बिल्व पत्र। इन सभी बिल्व पत्रों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व रहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि कैसे ये बिल्व पत्र आपको भगवान बना सकते हैं और लक्ष्मी कृपा दिला सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अखंड बिल्व पत्रों के बारे में। इसका विवरण बिलाष्टक में इस प्रकार है। अखंड बिल्व पत्रम नंद केशरे सिद्धार्थ लक्ष्मी। ये अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है। ये वास्तु दोष का निवारण भी करते हैं। इसे गले में रखकर नित्य पूजन करने से आपके बिजनेस में चौमुही विकास होते हैं। इस बिल्व पत्र के महत्व का वर्णन भी बिलाष्टक में आया है, जो इस प्रकार है। चिदलम चिगुणाकारं चिनेत्रं च चिथायुतं चिजन्म पाप संहारं एक बिल्व पत्रं शिवापर्णम ऐसे बोला जाता है। इस तीनों गणों से युक्त होकर होने के कारण भगवान शिव को प्रिय है। ये जो बिल्व पत्र बहुत ज़्यादा शिव जी के प्रिय हैं। इसके साथ यदि एक फूल धुतुरे का चढ़ा दिया जाए तो फलों में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है। जो भी जातक इसके साथ धुतुरे की फूल चढ़ा दे तो उनकी जो मनोकामना बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। इस तरह बिल्व पत्र अर्पित करने से भक्तों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए, इस तरह से भगवान शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ा के
अगर आप धतूरे के फूल के साथ भांग की पत्तियों के साथ अगर भगवान शिव जी का पूजा अर्चना करते हैं, और ख़ास करके अभी शिवरात्रि के दिन और शिवरात्रि के बाद सावन के महीने में आप अगर शिव जी की इस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, तो जो जातक है उनका सारे मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए आज तो आपने जान लिया इतना ही, फिर आप लोगों के सामने फिर दूसरा पूजा पाठ की बातें और टोटका लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।